अहम् महात्मा गांधीम् अनुमम्। दीदी, आप ये क्या पढ़ रही हो? मोहन, मैं महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित किताब पढ़ रही हूँ। तुम्हें पता है, मोहन गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा से उन्हें सख्त नफरत थी। दीदी, अहिंसा का मतलब क्या होता है? मोहन, अहिंसा से गांधी जी का मतलब किसी के साथ नफरत और क्रोध के साथ व्यवहार नहीं करना था। कोई भी तुम पर क्रोध करे तो उसका भी जवाब विनम्रता से देना चाहिए। दीदी, परंतु कोई हमें मारेगा तो क्या हम उसे नहीं मारेंगे? नहीं मोहन, गांधी जी का कहना था कि हिंसा का जवाब हमें अहिंसा से देना चाहिए। इससे सामने वाला भी शर्मिंदा होकर हिंसा छोड़ देगा। अन्यथा हिंसा का जवाब हिंसा से दोगे तो हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। पता है दीदी, आज स्कूल में भी शिक्षक केवल महात्मा गांधी के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, कल गांधी जयंती थी इसीलिए ना? हाँ दीदी, उन्होंने सब बच्चों से इसी के बारे में बातें की। मैंने भी बता दिया कि कल पापा ने भी मोहल्ले में अहिंसा के समर्थन में प्रार्थना सभा में भाग लिया था। बहुत अच्छा, और कक्षा में क्या क्या बातें हुई मुझे विस्तार से बताओ। हया हा, गांधी जयंती इति आसित अक्टूबर मासस्य द्वितीया दिनांके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदयस्य जन्म अभवत्। एतस्मिन् अवसरे यूयं किम् अकुरत् इति वदत। अहम् प्रातः उत्थाय जननीं जनकं च अनमम्। अहम् उद्याने अभ्रमम्। अहम् देवालयम् अगच्छम्। अहम् तत्र निर्धनेभ्यः वस्त्रम् अयच्छम्। अहम् निर्धनेभ्यः बालकेभ्यः क्रीडनकानि मिष्टान्नानि च अयच्छम्। ते हर्षेण अखादन् अक्रीडनुच। आवाम् प्रातःकालात् एव गृहस्य कार्यम् अकुर्व। आवाम् नेत्रविहीनस्य विद्यालयम् अगच्छवान्। नेत्रहीनेभ्यः बालेभ्यः आवाम् क्रीडनकानि अयच्छाव। आवाम् ताभिः सह अक्रीडाव। आवाम् तत्र बालाभिः सह अनृत्याव। ताः शोभनम् गीतम् अगायन्। आवाम् अपि अगायाव। शोभनम्, युवा, शोभनम् कार्यम् अकुरुतम्। रहवान, त्वम् हयः किम् अकरोः? अहम् ग्रामे निवसामि। तत्र मम मित्राणि अपि सन्ति। वयम् ग्रामस्य स्वच्छतायाः संकल्पम् अकुर्म। वयम् जनमार्गेषु अवकराणि एकत्रम् अकुर्म। वयम् मृन्मार्गम् मार्जनम् अकुर्म। वयम् जनपथेषु अवकरकण्डोलान् अस्थाप्याम। वयम् जनेभ्यः अशिक्षयाम यत् स्वच्छतायामेव वसति लक्ष्मीः इति। अति उत्तमः। समाजस्य देशस्य च रक्षायै प्रयासः अतीत प्रशंसनीयः अस्ति। महोदय, अहमपि सभागारं गत्वा प्रतियोगितायाः आयोजनम् अकुर्वन्। वयं महात्मा गांधी महोदयस्य जीवने आधारिता एका नाटिका अपि अकुर्म। वृद्धाश्रमस्य अनेके वृद्धाः तत्र दर्शकाः आसन्। वयं वैष्णवजनते तैः कहिये इति गीतम् अपि अगायाम। सायंकाले वयं गृहं प्रत्यागच्छाम। वयं प्रसन्नाः अभवाम। शोभनम्, यूयं सर्वे छात्राः साफल्येन गांधी जयन्तीम् अमानयन्। देशस्य चतुर्दिघं विकासं एव गांधी महोदयस्य स्वप्नम् आसीत्। वाह, तुम्हारी कक्षा में तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने कल गांधी जयंती के अवसर पर इतने अच्छे काम किए। हाँ दीदी,
मैं भी तो बहुत अच्छा हूँ और अब गांधी जी की बातें हमेशा याद रखूंगा। अब मैं समझ गया, आज से मैं भी लड़ाई झगड़े छोड़ दूंगा और सबसे प्रेम और विनम्रता से पेश आऊंगा। पाठ सारह, राष्ट्रपिता के विषय में जानकारी देने के साथ साथ छात्रों में राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व बोध कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ में निर्धनों की सहायता के रूप में निर्धन बच्चों को वस्त्र, खिलौने और मिठाई देने, नेत्रहीनों को खिलौने देने, उनके साथ नाच गाकर समय व्यतीत करने, गाँव की सफाई करने और वहाँ कूड़ादान रखने के लिए प्रेरित किया गया है। ये सभी कार्य समाज और देश सेवा के अंतर्गत आते हैं। वृद्धाश्रम जाकर उनकी सेवा और मनोरंजन करना भी प्रशंसनीय कार्य है। गांधी जयंती पर हम ये सभी कार्य करके गांधी जी के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। व्याकरणम्, इस पाठ में उत्तम पुरुष लंग लकार भूतकाल का प्रयोग किया गया है। उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ अस्मद् शब्द के संयोग से ही वाक्य गठन पूर्ण होता है, चाहे धातु रूप किसी भी लकार का हो, लेकिन उत्तम पुरुष सिर्फ और सिर्फ अस्मद् शब्द सर्वनाम के लिए निर्धारित है।